सरकार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रामीण परिवार के व्यक्तियों के जीवन यापन में जरूरी सभी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के निर्देश एवं मापदंड को अपनाते हुए श्रेणी के क्रम में BPL धारकों का चयन करती है एवं समस्त योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मुहैया कराती है। आइए हम मिलते हैं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड पंचायत नावाडी अंतर्गत ग्राम सरहुआ के दलित आदिवासी सीताराम भुइयां, रामचंद्र भुइयां एवं जोसेफ आइंद से। यह तो बात समस्या कि अभी DPL के नाम नहीं किया सब कागज में भल माँ बाबा के अबरी अलग कागज तक मैबे नहीं कैलक हमारा तो भूल आएल बा तो यहाँ रहे दान गुरु जी इसकुल में देख सबके नंबर देवत रहे तो हम गैली तीन चार दौड़ली तो हमारे नामे नहीं खे मिल तो वह से ही मालूम भैया कि भाई हमार नाम कहाँ रह ये नहीं खे आव सबके नाम कबरलक हमार नाम नहीं खे कबर तो भाई गड़बड़िए ना हो गए तब नहीं खे कबर का हो गए सत्य तो है ना जन ही सरकार है ना तो पहले से आपका BPL नंबर था। हाँ अब जो उतर ले ही है क्या फायदा है BPL नंबर का फायदा बा कुछ नहीं जबकि जेब मिलत है पहले से वो बंद बा 10 किलो और गरीब तो ये ही है घरों दूरा के वे हाल बा इसको कमात खाती है गुरु जी के पास गई तो वहाँ गुरु जी यहाँ कह कि नहीं है तो वहाँ नामे नहीं है तो गुरु जी का करें वहाँ से फिर अपन घूर गई तो आप लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं तो हम लोग का तो पहले से तो था अब कैसे कागज अभी नहीं आया बोल ली तो कहते हैं कि अले नहीं है तो कैसे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई कि समुदाय के सभी योग्य BPL के धारकों को सरकारी लाभ मिले। आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम लोगों से अपील है कि आप हमारे प्रखंड चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज कुमार तिवारी को जिसका संपर्क नंबर 9431554279 पर कॉल कर कृपया हमारा सहयोग करें। मैं महिमा पलामू झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।